हाँ तुम सारे जानवर रखे हुए हैं। बिल्कुल। सवेरे सवेरे आलू के परांठे छकन लग गए। ते होर कितने गल कर रहे हैं? गल नहीं कर रहे, यूट्यूब देख रहे। अच्छा, मेरे लगे शायद लुक लुक के। नहीं नहीं, आशकियां ठीक दिया जा रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। चल झूठा मेडो। ओए नहीं 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 नहीं, नहीं मम्मी आई। मम्मा मेनू डर लगता बहुत। चलो चलो उधर, चल चल भजा। बस सुई लाने वाली है कर के तेरे। सुई किने करती? गाले पूछ मार। गाले पूछ मार के सुई करती बाला की। केड़ी हुई बाला? अच्छा मार के सुई नहीं लगी। नाली तंबड़ की हो ना, देखो मुझे बाला में बाला नाल लगी। हम बाला नाल लग जाने में उन्हें चाहिए होगी आपको नाल। तो दूर आपको हमारी गाय दिख रही होगी। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा? तो आइए आपको मिलाती हूँ उनसे। सिर्फ गां ने। हां कहंदे हुंदे आ कि गां दा दुद्ध वधिया हुंदा। गां दा दुद्ध वधिया हुंदा, लाइट हुंदा। मेरी मासी जी की गाय है जो तुसी दूध दिंदे भी हो? हां मतलब बेच डेयरी च पोने? डेयरी च पाने। हां ये मेरा पंजाब, ये है हमारा एक्चुअल पंजाब। हे साडा पंजाब बेलियों वे साडा पंजाब। यहां पर ये गाय ना हो, खेत ना हो तो वो बहुत अधूरा लगता है। सो मुझे यहां का इनका ये बहुत ही बेस्ट पार्ट लगता है कि इन्होंने घर पे ही रखा हुआ है। यूजुअली नहीं तो लोग की बाहर कितने घर बना दिया ना निवास से। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਦਿਖਾ। ਲੋਕ ਰਹਤੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨੋਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਗਾਇ ਭੈਂਸੋ ਕੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਕੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਖੇਤੋ ਵਗੈਰਾ ਮੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਤੋ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਭੈਂਸੇ ਭੈਂਸੋ ਕਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ तो वो यहाँ से कुतरे जाते हैं। ये तो भी फिलहाल मशीन आ गई, अदरवाइज पुराने जमाने में हाथों से कुतरते। मैं भी कुतरे तो भी कुतरे कुतरे बड़ा मजा आता है। झूठ बोल रहा है। अभी धूप पे है, जैसे भी ठंडियां थी सर्दियां थी तो इनको यहाँ पर अंदर लेके जाते हैं। तो है इनकी तुड़ी, इनका खाना, ये इनका खाना है जो दिया जाता है। और ये इनका अंदर का घर है जहाँ पर इनको रखा जाता है। ये भी है एक जगह इनके, उनको थोड़ी सी धूप चाहिए होगी तो हम यहाँ भी बांध सकते हैं। तो खाना यहाँ इनका, देखो तुड़ी उधर है। हम लोग पंजाब में इस तरह से ना भैंसों का जो खाना होता है तुड़ी होती है वो इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। की कहते हैं रेडी रेडी। ये है रेडी जिदे विच बल्द नू पर दूजे लेट स्कूटर वाली है ना। अच्छा ओ अच्छा, ये दूसरी एडवांस एडवांस वाली जो पहले मैंने बचपन में देखी थी उसमें तो वो बच्चे बच्चे नु जोत के हाँ। पर ये एडवांस है स्कूटर वाली है। वाह मेरे पुरानी रह गई यार। और ये है हमारी जो भैंसे हैं पानी पीती है उनका ये सारा। सो इस पे लोग पानी पीते हैं। लोग नहीं पानी पिएगा ते हाँ ते लोग नहीं पानी पींदे ना। हाँ लोग पागल लोग क्यों ही चुप पीते पानी? नहीं आपने बोला, आपने बोला की बोले कि लोग यहाँ से पानी पीते हैं।
लोग नहीं, मैं बोले ये लोग यहाँ से पानी पीते हैं। गलत मत सोचना, मतलब ये भैंसों का पानी है, वो भैंसे पीते हैं। बिल्कुल लोग नहीं पीते हैं यहाँ से। इतना पुराना घर था, जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं यहाँ पर इतना आती थी, तो ये मैं मुर्गे भी रखे हुए हैं, मतलब कुछ सारे जानवर रखे हुए हैं। बिल्कुल कुत्ते की मुर्गे की मैंने पहली बार देखे, मैंने नहीं पता कहते रखे हैं। डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, इतना पता लगता ना कि बहुत लेट आया है। आई थिंक डेढ़ दो साल हो गए। हाँ। तो मुझे नहीं पता था इन्होंने मुर्गे भी रखे हुए। सो इट्स गुड, मतलब ये सिर्फ रखे हुए ना, कुछ काट कूट के खांदे ना नहीं ना? नहीं नहीं अंडे, नहीं नहीं अंडे खाने हो? अंडे अंडे अंडे, मतलब तुसी अंडे भी घर दे खाने हो? बिल्कुल मुर्गे देसी अंडे घूम घूम बहरो कई प्रकार की चीजा खा के अंडा दिंदिया ने। जेड़ा फॉर्म वाले हुंदे उहदे विच एक फीड तैयार कीती जांदी, फीड तो तैयार हुंदा अंडा। अच्छा। तो गर्म भी होंगे और भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एदा मतलब के भुखिया नहीं है, कह रहे हैं कि दूध चोलो भुखिया बाकी नहीं। अभी टाइम हो गया है इनका दूध निकालने का, सो मेरी मासी जी हैं जो भी वो दूध निकालेंगी। ठीक हो गया दांत? दर्द है? तो हैगा मेरे तो मेकअप लग गई थी हम तो बोंद ले पहले भी। की है मासी जी है? अचार, अचार मक्की का अचार। बेसिकली जो हम लोग आम का अचार, गाजर का अचार ये खाते, तो गायों का शायद मक्की का अचार होता है, जो मैंने पहली बार सुना है। जो दूध इनका निकलेगा वो इसके अंदर डाला जाएगा, जो डेयरी मिल्क पियेंगे, और ये जो लोग खुद पियेंगे वो इस डुल्लू में छोटे वाले, मतलब अपने लिए कम दूध और लोगों को ज्यादा पिलाते हैं। ए इन्हां दा की है फूड दाना, वैसे मच्छर रखनी अभी सौखिया नहीं है, है ना? बहुत सेवा करनी पड़ती है, बहुत कुछ देख सामना पड़ता बच्चे हैं वो। तो देख लो मेरी मासी जी अभी दांत निकलवा के आई हैं, ट्रेन हो रहा है, पर ये कुछ चीजें हैं जो वो स्किप नहीं कर सकती, वो इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि और इन्होंने कोई हेल्प हैंड तो इनका है नहीं, कोई आगे इनकी मदद कर देगा, इनको करना पड़ता है। बोलते हैं कि जो पुराने जमाने की जो लेडीज होती है वो इतनी स्ट्रांग की होती है, आजकल मेरे जैसी लड़कियां मुझे नहीं लगता कि ये सब कर पाएंगी। सो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी मॉम्स को, यू नो, और दूसरी आंटियों को जो इतना कुछ करती हैं हम लोगों के लिए। तो जब दूध निकालते हैं तो उससे पहले इनकी लेग्स बांधनी पड़ती है, कंपलसरी है? नहीं, ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि वो जो एनिमल वो कितना फैमिलियर है। तो मेरी मासी जी अभी दूध निकालने जा रही है और हमको दूर खड़ा किया हुआ है इसलिए क्योंकि जो गाय है वो डर रही है। नहीं लत नहीं मार दे, पूंछ मार। साफ सफाई गाड़ी की हो रही है इतनी जल्दी, और के नेक्स्ट टाइम आऊंगी टाइम कट के। बस मैं रेडी हो गई, मैं जाऊंगी
अगली शनिवार एतवार आऊंगी। आलू के पराठे, आम का अचार, बैग तो मैं आए लेके आई थी, मैं पता नहीं मैं एक हफ्ता रहूंगी। मैंने नहीं पता सी ना कि मेरे बड़ा सूटकेस ना लेके आंदी। हेलो की है तोड़ से दसना जरूरी है कि मैं पराठे खाती नहीं आई आलू के पराठे। अमीरी इथो झलकदी हुंदी आ सोने दा दंद कह दिता 100 रुपये कह दिता 100 रुपये सिर्फ 100 रुपये अगली बार आओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलो बाय, सी यू गाइस।